समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के ध्रुवगामा वार्ड नंबर 3 निवासी स्वर्गीय राम दिनेश ठाकुर के 42 वर्षीय पुत्र कैलाश ठाकुर को जमीनी विवाद को लेकर गोली मार दी गई। जख्मी हालत में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर कर दिया। वहीं परिजनों एवं जख्मी ने बताया कि उनकी जमीनी विवाद नवीन ठाकुर से चल रहा है, जिसके कारण आज अपने खेत से घूमकर आ रहे थे। उसी क्रम में ठाकुरबाड़ी के पास पहले से ही घात लगाए लोगों ने रास्ता घेर कर गोली मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। देखे समस्तीपुर से संवाददाता रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। से आ रहे थे जी गोली मारा गया, इसी तरह जो है सो खेत में से घूम करके आ रहे थे, वहीं पर नवीन ठाकुर था, मनोहर ठाकुर था, मनीष था और दिलखुश था, नवीन का बेटा। कहाँ का था? सब ध्रुवगामा का ही था। क्या चीज से तुम लोग को? मैं किस जगह पर? ठाकुरबाड़ी है, वहीं पर गोली चलाया। ठाकुरबाड़ी के पास। आप कौन टीवी चैनल से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा कहाँ किसका ब्रांड लीजिएगा का? क्या घटना हुई है? ये घटना ध्रुवगामा गांव पुगसा थाना अंतर्गत का है जी। जी इसको किसी मतलब गोली मार दिया गया है, इसकी हालत गंभीर हालत है, इसलिए इसको रेफर कर दिया गया, इलाज में जा रहा है। जमीनी विवाद चल रहा था, रास्ते से जा रहे थे, गोली मार दी। कोई किसके द्वारा गोली मारा गया? मनोहर ठाकुर। कहाँ की घटना है? ध्रुवगामा थाना। थाना पूसा। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। जख्मी के कौन लगते? मेरे चाचा लगते। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। नॉर्मा परिवार।